हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। दिस इज़ द पार्ट 13 ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज डेटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस डिसीजंस। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉइसी डेटा। आप नॉइसी डेटा से क्या समझते हैं, तो चलिए इसका आंसर हम समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ नॉइसी डेटा, दीज एरर कैन अराइज ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज मेजरमेंट इनएक्यूरेसीज, ह्यूमन एरर और टेक्निकल ग्लिच ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा ट्रांसमिशन। नॉइसी डेटा किस वजह से होता है, ये जो एरर होती है अराइज होती है, बनती है किसकी फैक्टर्स की वजह से, या तो मेजरमेंट में इनएक्यूरेसी हो, ह्यूमन एरर हो, या टेक्निकल ग्लिच हो ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन के टाइम, डेटा प्रोसेसिंग के टाइम या डेटा ट्रांसमिशन के टाइम, इसकी वजह से नॉइसी डेटा क्रिएट होता है। नॉइसी डेटा रेफर्स टू डेटा दैट कंटेन एरर, आउटलायर्स और इनकंसिस्टेंसीज दैट डेविएट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन। नॉइसी डेटा जो है रेफर्स होता है उस डेटा को जो डेटा कंटेन करता है अपने आप में एरर्स, गलतियां, आउटलायर और इनकंसिस्टेंसी, ये सभी डेविएट्स होती हैं फ्रॉम द एक्सपेक्टेड पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉइसी डेटा क्या क्या होती हैं, इसमें इनएक्यूरेसीज होती हैं। नॉइसी डेटा में कंटेन इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, जो नॉइसी डेटा होगा उसमें इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होगी जो कि लीड करती है इननूमरस कंक्लूजन इफ नॉट प्रॉपरली एड्रेस। आउटलायर, नॉइसी डेटा ऑफ्टन इंक्लूड आउटलायर, नॉइसी डेटा में इंक्लूड होता है आउटलायर विच आर डेटा पॉइंट दैट सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डेटा सेट, जो हमारा पूरा डेटा सेट होता है उससे ही डिफरेंट होते हैं, उस चीज को आउटलायर कहा जाता है। एंड कैन एस्क्यू स्टैटिकल एनालिसिस। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबिलिटी, नॉइसी डेटा एग्जिबिट हायर वेरिएबिलिटी और रेंडमनेस कंपेयर टू क्लीन डेटा। नॉइसी डेटा में जो है ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है और रेंडमनेस एज कंपेयर टू क्लीन डेटा के। मेकिंग इट मोर चैलेंजिंग, इसी की वजह से ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है इसमें से एक्सट्रैक्ट करना मीनिंगफुल इंसाइट्स। क्या क्या सोर्सेस हैं नॉइसी डेटा की, डेटा करेक्शन एरर जब होगा तो नॉइसी डेटा प्रोड्यूस होगा। एरर में अकर ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन प्रोसेस सच एज सेंसर माल फंक्शन, मैनुअल डेटा एंट्री मिस्टेक और सैम्पलिंग बायसेस। डेटा कलेक्शन एरर क्या होता है, इसमें जो है एरर होती है ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन प्रोसेस, जैसे कि सेंसर में कोई गलती हो गई, मैनुअल डेटा एंट्री में मिस्टेक हो गई या सैम्पलिंग बायसेस। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग इशू, जब कोई डेटा प्रोसेसिंग में इशू आ जाए। नॉइसी डेटा कैन रिजल्ट फ्रॉम एरर और इनकंसिस्टेंसी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और इंटीग्रेशन। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं, नॉइसी डेटा मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाई एक्सटर्नल फैक्टर। नॉइसी डेटा जो है इन्फ्लुएंस्ड होता है एक्सटर्नल फैक्टर से भी, जैसे कि एनवायरमेंटल कंडीशन, सिस्टम फेलियर और डेटा ट्रांसमिशन एरर। इम्प्लीकेशंस ऑफ नॉइसी डेटा, नंबर वन है हमारा इम्प्लीकेशंस ऑफ नॉइसी डेटा में रिड्यूस्ड एक्यूरेसी, इसकी वजह से रिड्यूस हो जाती है एक्यूरेसी। नॉइसी डेटा कैन लीड टू इनएक्यूरेसीज एनालिसिस प्रेडिक्शन और कंक्लूजन। अंडरमाइनिंग द रिलायबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नॉइसी डेटा की वजह से इनएक्यूरेसीज बढ़ जाती है हमारी प्रिडिक्शन में और कंक्लूजन में, जो है हमें दिक्कत होती है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जो है रिलायबिलिटी जो है इतनी रिलायबल नहीं रहती है। डिक्रीज हो जाती है रोबस्टनेस। मॉडल ट्रेंड ऑन नॉइसी डेटा में एग्जिबिट पुअर जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस एंड बी लेस रोबस्ट टू रियल वर्ल्ड सिनारियो। अगर डेटा नॉइसी होगा तो जो हम ट्रेन करते हैं अपने मॉडल्स, तो उसकी वजह से जो हमारा परफॉर्मेंस है वो डाउन होगी। नॉइसी डेटा का मतलब खराब डेटा पर ट्रेन करा गया, हमने मॉडल को ट्रेन करा और उसने वो खराब चीज़ ही समझ ली, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी बेकार हो जाएगी। इसकी वजह से जो है नॉइसी डेटा जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है वेस्टेड रिसोर्सेज, डीलिंग विद नॉइसी डेटा रिक्वायर्स एडिशनल टाइम एफर्ट एंड रिसोर्स फॉर डेटा क्लीनिंग वैलिडेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस। अगर डेटा नॉइसी है तो हमें ज़्यादा टाइम की जरूरत पड़ेगी उसको सही करने के लिए, ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, डेटा क्लीनिंग करनी पड़ेगी, डेटा वैलिडेशन और क्वालिटी एश्योरेंस करना पड़ेगा।
Handling noisy data. Number 1. Data processing. Implement robust data processing techniques such as outlier detection, data imputation and normalization to clean and prepare the data. अब किस तरीके से हम noisy data को handle कर सकते हैं? Number 1 है हमारा data processing. इसमें हम जो है implement करेंगे एक robust, powerful data pre-processing technique. जैसे कि outlier detection, data imputation और normalization, जिससे कि clean हो सके और prepare हो सके data. उसके बाद statistical analysis होगी, यूज करा जाए statistical method और algorithm का identify करने के लिए और filter out करने के लिए noisy data point, जैसे कि using robust statistical measures और clustering technique का यूज करके. Next है machine learning. Train करा जाए machine learning model को जो robust हो. किस लिए? Noisy data के लिए. By incorporating regularization technique, assemble method और outlier resistant algorithm. इन तीनों टेक्निक का यूज करके, स्टेप का यूज करके हम हैंडल कर सकते हैं नॉइसी डेटा को. बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डीलिंग विद नॉइसी डेटा. क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं डील करने की नॉइसी डेटा के साथ? नंबर 1 है अंडरस्टैंड डेटा सोर्स. गेन करें इनसाइट इनटू द डेटा सोर्स. कलेक्ट करें कलेक्शन प्रोसेस और पोटेंशियल सोर्स ऑफ नॉइस टू एंटिसिपेट एंड मिटिगेट डेटा क्वालिटी इशू. नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीमेंट करें डेटा क्वालिटी चेक. एस्टेब्लिश करें डेटा क्वालिटी चेक और वैलिडेशन प्रोसीजर. किस लिए? डिटेक्ट और एड्रेस करने के लिए नॉइसी डेटा को अर्ली इन द डेटा पाइपलाइन. थर्ड स्टेप है हमारा मॉनिटर एंड रिफाइन. कंटिन्यूस इम्प्रूव करते रहें, कंटिन्यूसली मॉनिटर करें, रिफाइन करें डेटा कनेक्शन को, कलेक्शन को, प्रोसेसिंग को और एनालिसिस को. Workflow to improve data quality, जिससे कि data quality improve हो सके, minimize हो सके noise accumulation over time. Conclusion. In conclusion, noisy data poses significant challenge to data analysis and decision making process. Noisy data की वजह से जो है challenge create हो जाता है data analysis में और data decision making process में, क्योंकि ये सभी चीज जो है decision डेटा के ऊपर ही लिए जाते हैं और अगर हमारे डेटा में ही नॉइस है, कमी है, गलत है डेटा, तो ये इफेक्ट होता है इन पर. बाय अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, सोर्सेस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ डेटा, नॉइसी डेटा एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर हैंडलिंग इट, वी कैन मिटिगेट इट इम्पैक्ट एंड इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ आवर एनालिसिस. आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा. इस वीडियो हमने जाना हैंडलिंग नॉइसी डेटा किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस है डील करने की नॉइसी डेटा से, इम्प्लीकेशंस ऑफ नॉइसी डेटा क्या हैं, सोर्स ऑफ नॉइसी डेटा क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन. आई होप आप सभी की समझ में आया होगा. इस सीरीज में हमारी 17 वीडियोस हैं, एक बार आप सभी को जरूर देखें. इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं. Thank you so much for watching this video and all the best for your exam.